नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं सबसे पहली जिज्ञासा अंकुश शर्मा जी की है इन्होंने पूछा है शनि अति विशिष्ट कारक भी कहे गए हो जहाँ ऐसे तुला लग्न पंचम में शनि दस डिग्री मंगल छः डिग्री सूर्य तेईस डिग्री और इन पर गुरु बीस डिग्री की गुरु वक्री है कि पंचम दृष्टि हो तब भी ये रंग और टूटे बर्तन वाली स्थिति होती है धनु नौमांश में शनि तृतीय और गुरु सूर्य पंचम में भी है देखिए एक बात तो तय जानिए आप इस सूत्र की जो बात मुझसे पूछ रहे हैं ये आम तौर पर मैं गोचर में लागू करता हूं लेकिन पंचम शनि को जन्म कुंडली में भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा गया और इस वाले पॉइंट को भी मैंने रखा था कि यहां तक कि शनि उच्च के भी हों पंचम में तो भी कष्टप्रद होते हैं एक बात यहां जरूर गौर करने वाली है पंचम शनि ऐसा नहीं है कि अब जैसे उच्च राशि में बैठे हैं तो धन दा, क्योंकि वृषभ और तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव को अतिविशिष्ट कारक माना गया है और इनकी दृष्टि को राजयोग प्रदायक माना गया है यह बात आप सत्य सत्य जानिए परंतु जब बात रिश्तों की आती है मैंने सदैव अपने कार्यक्रम में क्या कहा कि योगदायक शनि बाकी के मामलों में योगप्रद ही बने रहेंगे लेकिन बात जब रिश्ते की आएगी जैसे सप्तम भाव दाम्पत्य का है एकादश भाव बड़े भाई बहन का है द्वितीय भाव आपकी वाणी का और आपके कुटुंब का है तो शनि यहां मुख्य रूप से विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे जिन लग्नों में वो अत्यंत कारक हैं, लेकिन यहां भी वो विच्छेद तो करेंगे ही करेंगे ना हां यहां विचारणीय है कि शनिदेव की दृष्टि सप्तम पर होने से व्यापार में सफलता लेकिन अगर पार्टनरशिप में व्यापार हो तो वहां पर परेशानी लाभ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है परंतु बड़े भाई से संबंधित जो लाभ आना चाहिए उसमें दिक्कत पैतृक संपत्ति जातक को शत प्रतिशत मिलेगी लेकिन उसको भी पाने में कहीं ना कहीं संघर्ष और परेशानी का सामना जातक को करना पड़ेगा तो कुल मिलाकर के आप बस इतना ही समझ लीजिए कि शनिदेव अति विशिष्ट कारक या कारक हैं तो राजयोगदायक हैं राजयोग देंगे परंतु जब बात रिश्ते की आएगी तो उसमें निसंदेह परेशानी उत्पन्न होगी विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी देवासी चतुर्वेदी इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र बीस बीस दि, डिग्री और सूर्य सात डिग्री लग्न में है शनि द्वितीय में उनतीस डिग्री में और गुरु पंद्रह डिग्री वक्री और केतु छब्बीस डिग्री पंचम में है चंद्रमा बारहवें बारहवें में है चंद्रमा बारह डिग्री के साथ षष्ठ में है मंगल इक्कीस डिग्री दसम में और राहु छब्बीस डिग्री एकादश में बुध बारहवें बाईस डिग्री के साथ बारहवें में है तो जातक शेयर मार्केट में कार्य करके जीविकोपार्जन कर सकता है जन्म कुंडली के पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार और बुद्ध उसके कारक माने गए हैं जैसा कि आपने मुझे इस कुंडली में बताया कि वृषभ लग्न की कुंडली आप बता रहे हैं और आपका यह कहना है कि शनि द्वितीय में है उनतीस डिग्री में गुरु पंद्रह डिग्री वक्री और केतु छब्बीस डिग्री पंचम में है तो गुरु पंचम में है यह बात तो ठीक है लेकिन राहु एकादश में होकर के कहीं ना कहीं शेयर मार्केट इत्यादि में दिक्कत उत्पन्न करता है और बुद्ध जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाईस डिग्री के साथ बारहवें भाव में जाकर के बैठे हैं तो यह भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा अब चूंकि गुरु पंचम में बैठे हैं और वो भी केतु के साथ है फलतः ऐसा जातक जो कैलकुलेशन करेगा यानी कैलकुलेशन की भी बात को जरा ध्यान से समझिएगा कैलकुलेशन ऐसा कि एक तो जानकारी के आधार पर और एक हो गया भीतर से उसके जो निकल रहा है दो प्रकार के कैलकुलेशन एक हो गया गणितीय मैथमेटिकल यानी उसको पता है कि अब यहां तो ये यह हुआ है तो इसके बाद ये होगा और एक होता है कि भीतर से उसके निकल रहा है कि यह नहीं यहां लगा सकते हो तो ये गुरु से संबंधित है लेकिन बुद्ध से अगर संबंधित देखें तो आपका कैलकुलेशन होता है वो बारहवीं में जाकर के बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपना जीविकोपार्जन आप शेयर मार्केट में रखिए हाँ ये जरूर है कि आपके भीतर से अगर कोई चीज ऐसी निकलती है वहां पर पैसे लगाए अवश्य जा सकते हैं लेकिन यह सदैव जुआही तो होगा और इस तरह के जुए के भरोसे तो जीवन कम से कम नहीं ही काटा जा सकता है ईश्वर पुरोहित या पुरोही ठीक है आपका जो प्रश्न है वृषभ लग्न में बुध तृतीय सूर्य चतुर्थ शुक्र और केतु पंचम शनि सप्तम में मंगल अष्टम गुरु दशम में बकरी हैं। मैं मेष राशि का हूं मुझे जानना है कि शनि की दशमी दृष्टि सूर्य पर कितनी बुरी होती है पिता को कर्ज में से निकालने में मैं खुद फंस गया हूं खुद का घर छोड़ना पड़ा है देखिए सूर्य पर शनि की दृष्टि है तो निसंदेह यह दिक्कत का कारण तो बनेगा हालांकि आप निसंदेह भाग्यवान है साहब आपको अपने भाग्य पर गर्व गर्व होना चाहिए इसमें कहीं कोई दो नहीं है कि आपको अपने भाग्य पर हालांकि आपने जिस तरह से लाइन लिखा है पिता को कर्ज से निकालने में आप कर्ज में फंस गए हैं ये दुखद है मैं जानता हूं आप परेशान होंगे संभव है आप परेशान होंगे घर छूटा है परेशानी आई है लेकिन विश्वास मानिए आप बेहद भाग्यवान व्यक्ति हैं जिसको ये मौका मिला कि उसने पिता को कर्ज से निकाल दिया पूरी जिंदगी निकल जाती है आप माता पिता के कर्ज से निकल नहीं पाते और उन्हें कर्ज से निकालने का मौका मिला ये जस्ट वैसे ही है कि तारनहार को आपने तार दिया विश्वास मानिए और अगर ये विश्वास आपके साथ है तो फिर आप सारी लड़ाई लड़ जाइए मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत जीवन काल में आने वाली है रही बात तो गृहस्थितियों की और आपके कर्ज में पड़ने की सूर्य शनि की दृष्टि है कारण बन गए हैं वो पर ठीक है आप अपनी तरफ से हिम्मत क्यों हारेंगे आप अपनी तरफ से शत प्रतिशत प्रयत्न जारी रखिए और अगर आपका ये प्रयत्न जारी रहा तो आप कर्ज से बाहर निकल जाएंगे कर्ज तो ठीक है क्षणिक ही है परिस्थितियों के हिसाब से उससे बाहर निकला जा सकता है केवल यह भावनात्मक बात नहीं है याद रखिएगा यह भावनात्मक नहीं है यह सोच पर आपके डालने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि आपके सोच में यह परिवर्तन उत्पन्न हो जाए कि आखिर क्यों आपके दिमाग में आया कि आपने कर्ज से कर्ज पिता का उतारने के चक्कर में आप फंस गई मतलब ये तो मौका है आपके जीवन काल का बहुत बड़ा मौका उस मौके को आप क्यों गंवाएंगे और आपने तो नहीं ही गंवाया है तो उसे अब कहिए मत भाग्यमान करके आगे बढ़िए आप जरूर कर्ज से बाहर निकल जाएंगे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए पिता का सम्मान करिए भगवान राम पिता के के वचनों पालन है तू ही तो चले गए थे जबकि यहां तक कि भगवान राम को रोकने के लिए दशरथ जी कहने लगे थे कि तुम मेरे वचनों को अब भी मना कर सकते हो तुम्हें उसका पूरा अधिकार है मैं कह रहा हूं तब भी उन्होंने कहा नहीं आपके वचन टूट सकते हैं इसलिए मैं जा रहा हूं भगवान राम जब वन गमन कर रहे थे तो दशरथ जी ने कौन सी कौन सा उनके पास हथियार था जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था उनको रोकने के लिए उन्होंने हर हथियार इस्तेमाल किए थे कि तुम जो चाहे कर लो मैं दुनिया के सामने हर तरह से बदनाम होने के लिए तैयार हूं पर रुको तुम भगवान राम ने कहा कि नहीं आपका वचन यहां नहीं मायने रखता आपकी बदनामी ना हो मैं इसलिए इस वचन का पालन कर रहा हूं लीला थी वो अलग बात है लेकिन कितना बड़ा यहां पर हमारे लिए एक संदेश था तो आप निश्चिंत हो जाइए अगर उसके चलते घर भी छोड़ना पड़ा है ठीक है कोई बात नहीं फिर चक्रवर्ती भी तो बने राजा भगवान राम और युगो युगों तक उन्हें याद किया जा रहा है तो इसे बुराई के तौर पर मत लीजिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपको मौका मिला नीतू शर्मा जी हैं इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में बृहस्पति और सप्तम में बुध बैठे हैं किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि दोनों पर नहीं है तो ये कैसा योग हुआ इससे क्या कहा जाएगा मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हैं आपका ये कहना है और सप्तम में बुध बैठे ठीक है किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है तो देखा जाए तो यहाँ पर गुरु और बुध का आमने सामने का संबंध रुद्र योग कहा गया है जो कि बहुत अच्छा माना गया है अन्य ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं गुरु बुध का आमने सामने का संबंध बहुत अच्छा माना जाएगा यहाँ एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे तो गुरु को केंद्राधिपति दोष लगना चाहिए लेकिन गुरु चूंकि लग्न में होने के चलते वो दिग्ग हो गए हैं और बुद्ध की जहां तक बात करें तो अगर केंद्र केंद्रपत लग्न के स्वामी वही हैं तो उनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा फलतः गुरु की दृष्टि से वो और बली हो गए हैं तो ये बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है वेदांत जी हैं इन्होंने पूछा है कुंडली कन्या लग्न की है दसम भाव में राहु शनि की युति है और बुध लग्न में है गुरु ग्यारहवें भाव में कैसा फल होगा कुंडली कन्या लग्न की दसम भाव में राहु शनि श्रापित योग और आपका कहना है कि बुध लग्न में तो स्वीधी सी बात है लग्न में बुध हुए तो कन्या लग्न की कुंडली में उच्च के हो गए अब सामान्यतया देखा जाए तो श्रापित योग का अपना प्रभाव तो है एक तरह से ऐसा ये दुर्योग है कि कर्मभाव में लगा हुआ है तो जातक को कार्यक्षेत्र में बहुत परेशान अशांत कर देता है असफलता सफलता उसकी बाधित कर देता है लेकिन जरा गौर करिए कि लग्ने से यदि बलि हो गए हैं तो ये दुर्योग भी आपके पक्ष में काम करेगा आपके लिए सहयोगी होगा जातक उच्च कोटि का विचार वाला तिगड़मी बुद्धिमान राजनीतिज्ञ जब जैसा तब तैसा परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने वाला बन जाएगा नहीं बहुत अच्छा है जरा गौर करिए है ये दुर्योग परेशानी उत्पन्न करेगा लेकिन चूंकि लग्नपति बली है ये वैसे ही है कि सांप या एक हिंसक जानवर इसे उदाहरण से लीजिए कि हिंसक जानवर किसी ने अपने पास पाल लिया लेकिन मादा है उसको अपने बंधन में रखने का वो शक्ति है उसके पास कि उसको हिंसक जानवर को भी अपने नियंत्रण में रख सकता है तो वो अपने पक्ष में उसे इस्तेमाल करेगा जबकि वो हिंसक जानवर किसी को भी हिंसा पहुंचा सकता था लेकिन चूंकि मादा है तो लग्नेश बलि होने से ये शक्ति उत्पन्न हो जाती है संगीता कंग किराड संगीता

और और आगे इन्होंने कहा है कि बारहवें में मंगल है और दो साल से कह रहे हैं कि दवाई ले रही हैं हाथ पैर में दर्द है आप जरा ये देखिए कि कहीं कुंडली में राहु की दशा तो नहीं चल रही है क्योंकि द्वितीय भाव में शनि राहु की युति है तो शनि राहु संयुक्त सर्वदा रोग संयुक्त यह दीर्घकालिक रोग की स्थिति उत्पन्न करता है और खान के कारण खान के चलते तो वातजन्य रोग की संभावना हो रही है आपको हड्डियों में दर्द इत्यादि हो रहा है तो पहले तो ये देखिए कि राहू की दशा तो नहीं है शनि की दशा तो नहीं है किस ग्रह की दशा है ये देख लीजिए बाकी अगर राहु की दशा है तो लाजवर्त धारण करिए और साथ ही साथ अगर इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो एक बार तो योग की शांति भी आपको करा लेनी चाहिए और साथ ही साथ शिवजी की आराधना करनी चाहिए ताकि आप इस परेशानी से कष्ट से मुक्ति पा सकें विनोद बजाज इन्होंने पूछा है सिंह लग्न की कुंडली है लग्नेश सूर्य द्वितीय भाव में बुध के साथ है राहु की दशा चल रही है जो कि बारहवें भाव में है स्वास्थ्य समस्या चलती रहती है लग्न व लग्नेश अंश बल से कम है माड़ी धारण करने से लाभ होगा सिम्भ लग्न की कुंडली है लग्नेश सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं सिंह और कन्या कन्या में बैठे हैं किसके साथ बैठे हैं? तो बुध के साथ बैठे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है बुध इस कुंडली में मूल्य प्रद मूल्य प्रदायक ग्रह माने गए हैं क्योंकि वो धनेश लाभेश और धनेश दोनों ही बनते हैं तो अब देखा जाए तो आपने जैसा कहा कि राहु की दशा चल रही जो कि बारहवें भाव में है राहु इस कुंडली के लिए कष्टदायी सिद्ध होगा क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्या चल रही लग्न व लग्नेश अंश बल से कम है माड़ी के धारण करना आप कर सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ रही हालांकि बुद्ध के साथ सूर्य बुद्ध की ही राशि में बैठे हैं सो तात्कालिक शत्रुता में तो आ गए हैं लेकिन इसके बावजूद मैं आपको माड़ी के धारण करने की सलाह दे सकता हूँ आप माड़ी के धारण कर लीजिए सूर्य को बल दीजिए सूर्योदय के बाद तक मत सोइए पिता का सम्मान करिए इससे भी आपके सूर्य बली हो जाएंगे घोष इन्होंने पूछा है मेरी वृषभ लग्न दसम भाव में शनि डिग्री है उनका अठारह अंश छप्पन कला और बारहवें भाव में मंगल केतु और चंद्रमा है शनि पर राहु और गुरु की पंचम दृष्टि है क्या मेरी साढ़े साथी खराब जाएगी जब भी जीवन में आएगी वर्तमान में 2018 से राहु की दशा है फिर से पढ़ लेते हैं सवाल को वृषभ लग्न है दसम भाव में शनि है और जैसा आपने कहा कि डिग्री उनके अट्ठारह छप्पन कला है बारहवें भाव में आपने बताया कि मंगल केतु और चंद्रमा है यानी कि मेष राशि में आपने बताया है कि मंगल केतु और चंद्रमा अर्थात आप मेष राशि के हैं और आप कह रहे हैं कि शनि दशम में है तो शनि दशम में है तो सीधी सी बात है कि शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाएगी अब निसंदेह साढ़े सात जब जीवन काल में आएगी या ढैया आएगी तो मानसिक अशांति और परेशानी तो देगी ही देगी अभी तो मीन को सोने जा रही इसके बाद आपकी बारी आएगी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहू की दशा 2018 से ही शुरू हुई है तो भी काफी लंबा समय बाकी 18 साल की दशा होती है देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए ग्रहों की जो दशाएं कष्टदायी सिद्ध होती हैं वो अकेले नहीं हो सकती अकेले का मतलब कभी भी किसी ग्रह की दशा अकेले आपको कष्ट नहीं दे सकती है जैसे मान लिया जाए किसी को ढैया चल रही है और साथ ही साथ उसकी कुंडली में किसी विरोधी ग्रह की दशा या संभव है कि मार्केश चल रहा हो या साढ़े साथी चल रही है मार्केश चल रहा हो या साढ़े साथी चल रही है राहु की दशा चल रहा हो तो ऐसी अवस्था में कष्ट बढ़ता है कष्ट बढ़ जाता है अब आपने जो तर्क दिया है इसमें तो हाँ कष्ट बढ़ने के योग ही दिखाई पड़ते हैं परेशानी बढ़ने के ही योग दिखाई पड़ते हैं तो जब साढ़े सात ही लगेगी तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है तो ये कष्टप्रद स्थिति क्योंकि बारहवें भाव में ये सब स्थिति बनी हुई है अगर आप गौर करें तो आपने लिखा है कि बारहवें भाव में मंगल केतु और चंद्रमा बैठे हैं अब मंगल केतु और चंद्रमा का होना मतलब राहुष्ठ में है ये कही कहीं ना कहीं दुर्घटनाकारक भी स्थिति उत्पन्न करेगा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की भी स्थिति उत्पन्न करेगा बारहवें में मंगल बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा भी दृष्ट है तो जातक मानसिक रूप से अशांत तो होगा ही मंगल चंद्रमा के साथ होने के कारण धैर्य की कमी भी होगी क्योंकि चंद्र कुंडली में मंगल चंद्रमा शांत आ जाएंगे तो केतु लग्नगत होने के चलते चिड़चिड़ा और जिद्दी स्वभाव का हुआ मंगल बारहवें बैठे चंद्रमा के साथ धैर्य में कमी हुई और शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ये कही न कहीं ना कहीं साढ़े सात और ढैया के समय में विशेष रूप से परेशानी कष्ट दुर्घटना प्रदायक स्थिति उत्पन्न कर सकता है तो हां यह परेशानी का समय होगा अभिषेक गौतम जी का प्रश्न है कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु बारह अंश बयालीस कला के साथ शनि ग्यारह अंश चौवालीस कला की युति है जो नौमांश में तीसरे घर में मेष राशि में है क्या नीलम पहन सकते हैं कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु बारह हंस बयालीस कला और शनि ग्यारह हंस चौवालीस कला की युति है जो नवमांश में तीसरे घर में मेष राशि में है तो सीधी सी बात है कि नवमांश में मेष राशि में बैठने का मतलब नीच राशि में बैठे हैं अब जरा गौर करिए कि निसंदेह कन्या लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव कारक ग्रह होते हैं तो कारक ग्रह होने के कारण उनका रत्न उत्तारण करना चाहिए लेकिन अब यहां पर भी जरा दो मतांतर है उसे समझने का प्रयत्न करिए कुछ ज्योतिष के मर्मज्ञ मानते हैं कि जब कोई ग्रह नीच राशि में है तो वो कमजोर अवस्था में है उसको बल प्रदान करने के लिए निसंदेह उससे संबंधित रत्न धारण करने चाहिए नीच राशि में जो ग्रह है उसको बल प्रदान करने के लिए रत्न धारण करना चाहिए लेकिन वहीं अगर कुछ और इस पर रिसर्च और अनुसंधान किया जाए तो यह बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे उच्च का ग्रह बलि होता है वैसे नीच का भी ग्रह अपने आप में बलवान ही होता है उच्च का ग्रह शुभ फल प्रदाता तो नीच का ग्रह बुरा फल प्रदान करने वाला अब आम शब्दों में कहा जाए तो अगर नीच के ग्रह का रत्न धारण कराया जाए तो वो कही न कहीं ना कहीं कष्ट प्रदायक ही सिद्ध होगा अब आपने कहा कि लग्न में शनिदेव बैठे हैं और वो नवांश में नीच के हैं तो संभव है कि अगर आपको नीलम धारण कराया जाए तो ये आपके जीवन काल में चीजों को इतना विलंबित कर देंगे कि कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से अशांत और परेशान हो जाएंगे फलतः आपको नीलम धारण करने की सलाह तो कम से कम मैं नहीं ही दूंगा सार्थक पटेल जी हैं इन्होंने पूछा है अगर लग्नेश नीच हो और प्रबल नीच भंग हो रहा हो तो उसका क्या अर्थ हो सकता है हालांकि लग्नेश जो कि शनि है और चौथा घर में नीच का है और दसवें घर में मंगल और चंद्रमा है देखिए साहब पहले तो मुझे यहां जो दिखाई पड़ रहा है अर्थ मैं वो पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि शनि चंद्रमा आमने सामने बैठे हैं ये विश्व योग है और मानसिक अशांति का प्रबल कारण है फिर इसके बाद शनि और मंगल का आमने सामने का संबंध भी विस्फोटक योग कहलाता है और कई बार गृह कलह की संभावना भी बनाता है अब हम आ जाते हैं आपके उस पॉइंट पर जो आप जानना चाहते हैं देखिए जब भी किसी ग्रह का नीचत्व तो भंग अभी अभी एक नीच शब्द का इस्तेमाल किया कि वो अच्छा फल देने के लिए और ये बुरा फल देने के लिए देखिए ग्रह के उच्च और नीच होने का जो मूल महत्व है बहुत ध्यान से समझिए मैं हमेशा समझाता हूं यह मूलतः आध्यात्मिक रूप से आध्यात्म का दृष्टिकोण यदि हटा दीजिए क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र है है इसका मूल उद्देश्य जागृत करना है। ना कि आपके बीबी बच्चे और दुकान मकान के बारे में ज्यादा जानकारी देना इसका काम है ज्योतिष का मूल काम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उसके संशोधन के आधार पर कब कौन सी आराधना साधना कैसे विधि विधान से की जाए यही इसका मूल उद्देश्य है लेकिन हम आम जो लोग हैं हम, हमें हमेशा वही दिखाई पड़ता है कि कब कहाँ से हमारा पेट भर रहा है हम उसी के बारे में सोचते हैं तो यहां एक बात जान लीजिए कि नीच के ग्रह की चर्चा करें अभी आप कई बार मेरे कार्यक्रम के सूत्र में सुने होंगे कि अगर जन्म कुंडली में तीन या चार ग्रह नीच के हो जाए तो ये जस्ट वैसे ही है जैसे कुंडली में तीन चार ग्रह उच्च के हो जाए तो जातक महान प्रतापी राजा अर्थात राजा शब्द का अर्थ है महाधनवान हो सकता है वैसे ही नीच के ग्रह भी जातक को धनवान बना देते हैं क्यों क्योंकि जब तीन चार ग्रह नीच के होंगे तो उसके व्यक्तित्व पर नीच ग्रह का प्रभाव पड़ेगा फल तो वो ये न कि न ना, ना आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा और कोई आगे बढ़ने का प्रयत्न करे तो आगे बढ़ ही सकता है तो मूल सिद्धांत तो यही काम करता है अब जरा गौर करिए कि आपने कहा कि नीच भंग हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है नीच एक ऐसा पॉइंट है जिसका जन्म कुंडली में होना ही जन्म कुंडली को बेहद कमजोर करने वाला माना जाता है फलतः ज्योतिष के जो, जो मर्मज्ञ हैं, वो मानते हैं कि विकल्प से ही सही जैसे मंगल की यहां दृष्टि पड़ने के चलते उनका नीचत्व भंग होगा तो वो मानते हैं कि चाहे विकल्प से ही सही अगर नीचत्व में कमी आ रही है तो ये अपने आप में महानतम स्थिति है सो इसी के लिए नीचभंग राजयोग उसको कहा जाता है तो कुल मिलाकर के ये ठीक है, है, है कि जब नीच में होता है, तो जा के जीवन काल में धनु की कुंडली में अष्टमेश बुद्ध अस्त और वक्री होकर दसम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है धन भाव दोष से पीड़ित है मंगल की दशा में दशा भी मंगल की चल रही है दुकान करने में तकलीफ हो रही है किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर बहुत तो अच्छा फल देने वाला नहीं होता है पहला पॉइंट दूसरा आपको कष्ट देने में मंगल से ज़्यादा यहाँ शनि की साढ़े सात ही काम कर रही है हालांकि जनवरी तक वेट करिए एक बार साढ़े सात ही खत्म हो जाती है तो निसंदेह आपकी जो कष्ट है परेशानी है उसमें भी कमी आएगी साढ़े सात साल से साढ़े सात ही के दौर से आप गुजर रहे थे इसके चलते भी कहीं ना कहीं आप परेशान हैं ये अलग बात है कि आपने और भी लिखा है कि अष्टमेश बुद्ध अस्त और वक्री होकर के दसम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है अष्टमपति जब दसम में संबंध दसम में जाकर के बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि अस्त होने से बुध के प्रभाव में कोई कमी नहीं आती है तो वो कही न कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं संघर्ष की स्थिति को बढ़ा देते हैं और बाकी आपने तो कहा ही कि विषयों से पीड़ित में होना भी कहीं ना कहीं धन का संचित होना कमजोर कर देता है राजवीर परमार जिन्हें पूछा है तुला लग्न में आठवें और दसवें घर का परिवर्तन क्या प्रभाव होगा जिसमें शनि की दसवीं दृष्टि भी आठवें घर के चंद्रमा पर है अब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि तो किसी भी तरह से अच्छी नहीं कही जाएगी इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती एक दूसरा तुला लग्न में आपने बताया कि आठवें और दसवें घर का मैंने कई बार बताया कि परिवर्तन एक महायोग है और महा ही योग इसको माना गया परंतु जब भी तृक भाव से संबंधित कोई परिवर्तन होता है तो इसे बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं एक अब चूंकि ये योग बहुत अच्छा है तो इसके भी दुष्परिणाम में से भी कुछ सुपरिणाम निकलते हैं जैसे अगर ऐसे जातक के जीवन आकस्मिक घटनाएं बढ़ जाएंगी तो ऐसे जातक के जीवन काल में कार्यक्षेत्र में परेशानी तो आएगी तो नौकरी जैसे ही जाए तो अच्छी बात यह है कि जाने के बाद उसको और अच्छी नौकरी मिल जाएगी पर फिर भी अस्थिरता उसके जीवन काल में बना रहेगा इसलिए इसे बहुत अच्छा कभी नहीं कहा जा सकता और जैसा आपने चंद्रमा पर शनि की दृष्टि की बात कही है वो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का कारण तो आजीवन ही बना रहेगा मोनिका मोटवानी इन्होंने पूछा है कन्या लग्न में पांचवें घर में वक्री शनि है और गुरु पहले घर में और मंगल दसवें घर की दृष्टि है तो क्या संतति नहीं होगी गुरु चलित में बारहवें घर में है गुरु प्रभाव दे रहे हैं बारहवें घर का लेकिन उनकी दृष्टि अगर देखें तो ठीक है अगर पंचम माने शनि के बारे में भी मैंने कहा था आपने कहा वक्री शनि है अगर वो अकेले ही हैं तो ये भी कम से कम संतति देने में सक्षम है लेकिन चूंकि ये अधूरी जानकारी है क्योंकि संतान की जब चर्चा हो तो पति और पत्नी दोनों की ही कुंडलियों को सामने रख करके उस पर चर्चा होनी चाहिए अगर इस कुंडली के ही केवल आधार पर मैं ये तर्क दे रहा हूँ तो ये गलत सिद्ध हो जाएगा तो मैं सिर्फ यहाँ यही कह सकता हूँ कि हाँ जानकारी बस इतनी ही है कि संभवतः जितने बात आपने अपनी कुंडली के लिए पूछा है ये तो संतति के लिए सहयोगी तो है बट पति के साथ कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है उनके साथ कुंडली की मैचिंग कैसी हुई है ये दोनों ही चीज़ों को देखने के बाद दाक्षा भोजवानी जी ने पूछा है मेरी मिथुन लग्न की कुंडली में बारहवें भाव में वृषभ का शुक्र है और उससे उस पर छठे भाव में बैठे शनि देख रहे हैं और चौथे भाव में गुरु हैं उनकी नवी दृष्टि शुक्र पर है तो क्या फल मिलेगा मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र को बारहवें भाव में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है विशेष करके ऐसे सूर्य शुक्र यदि सूर्य से आगे हो तो कहना नहीं और जबरदस्त राजयोग लाभ देने वाले बन जाते हैं तो कुल मिलाकर के शुक्र अति सौभाग्यशाली बना देते हैं शनि की दृष्टि ठीक नहीं मानी गई है कहीं ना कहीं ये चारित्रिक कमजोरी भी उत्पन्न करा देती है हाँ गुरु की दृष्टि से जरूर बचाव होगा लेकिन हाँ अगर शुक्र के अगर केवल अकेले के प्रभाव को समझा जाए तो यह बहुत ही अच्छा है शनि की दृष्टि से दृष्ट होना जरूर उसको थोड़ा सा भटकाव का काम कराता है रोहित कुमार जैन जी का प्रश्न है मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं एकादश भाव में शुक्र लाभ भाव में राहु के साथ तो मेरा नीलम धारण किया हुआ है क्या यह सही है मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं एकादश में शुक्र लाभ भाव में देखिए मिथुन लग्न की भी कुंडली में शनिदेव चूंकि अष्टम पति भी बनते हैं बहुत ध्यान से समझिएगा इस सूत्र को कि मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव नवम पति बनते हैं जो कि भाग्य भाव है और परंतु वो अष्टम पति भी बनते हैं इसलिए इस लग्न में कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं माना गया है शनिदेव के रत्न को और जबकि आपकी कुंडली में शुक्र जो कि इस लग्न के सर्वाधिक योग काराग्रह हैं उन पर शनि की, की दृष्टि पड़ रही है तो मेरे हिसाब से तो नीलम धारण नहीं करना चाहिए और फिर जैसा कि आपने कहा पंचम में शनिदेव हैं तो सीधी सी बात है उच्च होने के बावजूद दाम्पत्य इत्यादि में परेशानी लाएंगे तो मेरे हिसाब से तो ना शाश्वत गुप्ता जी का प्रश्न है सप्तम भाव में मेष राशि में गुरु और शनि बैठे हैं और लग्न में चंद्रमा और मंगल है तो क्या दाम्पत्य सुख है या नहीं कृपया बताएं शनि वृद्धावस्था का गुरु कुमार अवस्था का इनका प्रश्न है कि सप्तम भाव में मेष राशि में गुरु और शनि बैठे हैं अब जरा देखिए कि शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं और वो भी वृद्धावस्था के दाम्पत्य जीवन में उदासीनता लाने का प्रबल कारण बन जाएंगे गुरुदेव यहाँ जरूर बैठे हैं लेकिन सप्तम भावस्थ गुरु और शनि की युति पर मंगल की दृष्टि का पड़ना भी यहाँ चूंकि शनिदेव विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करेंगे और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है तो विच्छेदात्मक स्थिति ही हुई है तो ये दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी निरंतर परेशानी अच्छी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति वहां पर जरूर बैठे हुए हैं लेकिन देवगुरु भी तो इस लग्न के कारक ग्रह नहीं है फलता वो कोई दाम्पत्य को बचाने का काम नहीं करेंगे ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करने में ही सहयोगी सिद्ध होंगे और कहीं अगर ये स्त्री हालांकि आपने शाश्वत लिखा है प्रश्न पुरुष के लिए है तो गुरु यहाँ पर दाम्पत्य कारक तो कहीं कम से कम नहीं होते हैं स्त्री की कुंडली में तो बिल्कुल दाम्पत्य को खराब कर देंगे समाप्त ही होगा पुरुष की कुंडली में भी दाम्पत्य में परेशानी तो होगी ही होगी और बिट्टू जी हैं इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में पहले ही घर में राहू दूसरे घर में शनि तीसरे घर में शुक्र सूर्य चंद्र गुरु की युति और फिर सातवें घर में केतु हैं केतु की दृष्टि थर्ड भाव में एवं मंगल दसवें भाव में क्या जीवन अति आध्यात्मिक उन्नति के योग हैं क्या गुरु जी मन में हमेशा आध्यात्मिक विचार उसी में रुचि लगी रहती है देखिए साहब मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं अगर आध्यात्मिक विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो विश्वास मानिए आपको कुंडली दिखाने की तो आवश्यकता ही नहीं है पहला पॉइंट मैं ये व्यंगात्मक नहीं आपको समझाने वाले भाव में कहना चाहता हूँ मैं नहीं जानता आपकी उम्र क्या है पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मन में किसी भी तरह से ये भाव उत्पन्न हो गया है कि मुझे आध्यात्म की ओर मेरी रुचि हो रही है आध्यात्म की ओर मुझे बढ़ना है तो आप विश्वास मानिए परमात्मा की असीम कृपा इसे आप मान लीजिए असीम कृपा ये बिना कृपा बिनु सत्संग विवेक न हो तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता लेकिन यह विवेक पाने के लिए जो सत्संग मिलता है हरि कृपा बिना ये सुलभ नहीं हो सकता हरि कृपा से ही ये सुलभ होता है तो आपके अंदर ये विवेक अगर जागृत हो रहा है तो निसंदेह कहीं ना कहीं कृपा हो रही है तो अगर ऐसा हो रहा है तो बस इसे लेकर के आगे बढ़ते रहिए इसमें प्रश्न पूछने जैसा तो कुछ है ही नहीं और जैसा आपने कहा कि उन्नति आप अध्यात्म की तरफ चाहते हैं तो यहाँ देखा जाए तो अपने गुरु को शुक्र सूर्य चंद्र गुरु की युति है आपने कहा तीसरे भाव में तो गुरु की दृष्टि धर्म भाव पर पड़ रही है संभव है कि इसके चलते और सूर्य भी बैठे हैं सूर्य के साथ सूर्य आत्मा है इसलिए कहीं ना कहीं जागृति उत्पन्न हो रही है हो रही है तो बस इसे लेकर के आगे बढ़िए परमात्मा की असीम कृपा है प्रिय दर्शकों आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था आशा करता हूँ जिन दर्शकों के प्रश्न आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उनकी जिज्ञासा निस्संदेह शांत हुई होगी आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात हो तब तक के लिए नमस्कार